नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही पॉपुलर डिश मंगोड़े, मंगोड़े की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम एक हरी मिर्च डालेंगे, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, ये अपनी अपनी टेस्ट की बात है। आप ज्यादा मिर्च खाते हैं तो ज्यादा डालिए, और एक इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डालेंगे। बस अभी इसमें इतना ही सामान डालेंगे, अभी इसमें नमक भी नहीं डालेंगे। जब इसे पीस लेंगे तो फिर इसमें हम नमक डालेंगे। देखिए, मूंग की दाल को हमने कंटेनर में डाल लिया है। अब हम इसे बिना पानी के, कोशिश करेंगे कि पानी ना डालें, बिना पानी के ही पीसें। ये देखिए, मूंग की दाल को हमने पीस लिया है, और इसको पीसते समय बहुत थोड़ा सा ही पानी, बहुत ही कम डालना पड़ा, और ये थोड़ा हमने दरदरा पीसा है। चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मूंग की दाल को पीस के हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। ये देखिए, हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे आधा से पौन चम्मच के बीच, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, ये है साबुत धनिया, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हम हींग डालेंगे चुटकी भर, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमें बैटर थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें हम एक चम्मच, और अब इसे फिर से मिलाएंगे, और एक और चम्मच। ये देखिए, बेसन मिलाएंगे, ये देखिए मूंग के दाल की पिट्ठी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, ये प्याज ऑप्शनल है, और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मंगोड़े के साथ आप जो मैं चटनी बना रही हूँ, आप इस तरह की चटनी बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने करीब आधी कटोरी धनिया पत्ती ली है, ये एक बड़ा टमाटर, इसमें मैं एक ही हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप ज्यादा डाल सकते हैं, और नमक। अब इसे पीस लेंगे। ये देखिए, ये चटनी पीस गई है, अब इसे हम मंगोड़ों के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें हाथ से ही, देखिए ऐसे, अब हम आंच को स्लो कर लेंगे, क्योंकि तेल गरम हो चुका है ज्यादा। ये देखिए, मंगोड़े हमारे सिक गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे, और ऐसे ही सारे मंगोड़े कर लेंगे। तैयार है हमारे गर्मा गर्म मंगोड़े। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और इसके साथ ही साथ ये एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।